प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का किया शुभारंभ। टाइगर सेंसस रिपोर्ट भी की जारी, कहा भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया बल्कि उसे फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपागडू हाथी शिविर का दौरा किया। ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की प्रेरणा बने महावा जोड़े बोमन और बेली से भी की मुलाकात। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज राजधानी नई दिल्ली में बैठक, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। जालंधर उपचुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को लगा झटका, पंजाब अकाली दल के पूर्व नेता इंदर इकबाल सिंह अटवाल बीजेपी में हुए शामिल। यूक्रेन की प्रथम विदेश उप मंत्री एमीन चबरोवा आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। दोनों देशों के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। और बैडमिंटन में भारत के प्रियांशु राजावत और डेनमार्क के मैग्नस जोहानसेन के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आयरलैंड के नहात एनगुएन को दी मात। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हुरमा त्यागी, लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूरू में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। और तलब है कि पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की गई है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि ये पहल बहुत लाभकारी होगी। अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बाघों की संख्या की भी घोषणा की। पीएम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या अब 3,167 हो गई है।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। पीएम ने कहा कि भारत ने न केवल बाघों का संरक्षण किया है बल्कि उन्हें फलने फूलने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र भी दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में जबकि अनेक टाइगर रिजर्व देशों में आबादी स्थिर है या घट रही है तब भारत में उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि इसकी वजह भारत की परंपरा और संस्कृति है। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम मोदी ने संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत भी की। पीएम मोदी ने अवैध शिकार रोधी केंद्र का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने वन्य जीवन को करीब से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपा कडू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने एलिफेंट कैंप के महाबतों से बातचीत भी की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की प्रेरणा बने जोड़े बोमन और बेली से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनके हाथी को भी देखा। बाद में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मोहर लगेगी। बैठक के बाद ही भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मैराथन बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विस्तार से मंथन किया गया था। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव पीएल संतोष, कर्नाटक चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कर्नाटक प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और कर्नाटक भाजपा कोर ग्रुप के अन्य नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा की। कर्नाटक में विधानसभा की सभी 224 सीटों पर 10 मई को चुनाव होना है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल
रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी श्री अटवाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इंदर इकबाल लुधियाना के रायकोट से अकाली दल के विधायक रह चुके हैं। शिअद के इकलौते बड़े कद के दलित नेता चरणजीत सिंह अटवाल लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। इंदर इकबाल अटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मुझे खुशी है कि इसमें मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को काम करने का मौका दिया गया है। सिख समाज ने देश की आजादी में भी योगदान दिया और आजादी के बाद भी आज तक हर रूप और स्वरूप में सिख समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा मान और सम्मान और अपनी सेवा दी। लेकिन आज जरूरत है कि हमें अपने आप को और दृढ़ता से, मजबूती से अपने देश की और अपनी स्टेट की सेवा करने का हमें मौका मोदी जी की लीडरशिप के अंदर करने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर में महाआरती में शामिल हुए। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करके ये सपना सच कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विकास परियोजनाओं की कुल लागत 1046 करोड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कुल 258 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहां एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले ही 17 के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब आमने सामने टकरा रहे हैं। सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को सड़क पर लड़ने का भी ऐलान कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ही सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को शहीद स्मारक राज्य की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन का ऐलान किया है। भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम करके दिखाएंगे। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पीड़ितों से मिलना चाहती है, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें बार बार पीड़ितों से मिलने से रोका है और रोक रही है। इसी कड़ी में आज जांच के लिए हावड़ा पहुंची एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को नबान टोल प्लाजा के पास रोका गया। 6 सदस्यीय टीम के सदस्य पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि पुलिस कह रही है कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है, यहाँ कुछ भी नहीं है, वे डरे हुए हैं क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसे लेकर कमेटी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर सरकार
क्या छुपाना चाहती है। पीड़ितों से अकेले मिलने जाने को भी धारा 144 के दायरे में लाया जा रहा है। दरअसल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुगली जिले के रिसरा में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश रविवार सुबह नाकाम कर दी। रक्षा प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाहपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश उस वक्त नाकाम कर दी गई जब LOC पर पहरा दे रहे सेना के जवानों ने आतंकवादियों को भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास करते देखा और उन पर गोलीबारी की। अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद एक घुसपैठिए का शव देखा गया जबकि अन्य घुसपैठिए जंगल में भाग गए। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने अमेरिका के लिए रवाना हो गई हैं। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2023 की बैठकों में भाग लेंगी। साथ ही वे G20 बैठकों, निवेशक द्विपक्षीय बैठकों और अन्य संबंधित बैठकों में भी शामिल होंगी। ये बैठकें 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक Washington DC स्थित WBG और IMF मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी। वसंतकालीन बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेंगे। भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री करेंगी और इसमें वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में विश्व बैंक विकास समिति और IMF समिति के पूर्ण सत्र, विश्व के अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक के साथ संवाद, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श, राउंड टेबल बैठकों में वैश्विक व्यापार जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ संवाद और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करना शामिल है। वित्त मंत्री सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 से 13 अप्रैल को दूसरी G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। G20 सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे और वैश्विक मुद्दों के व्यापक आयाम के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लेंगे। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष रिचर्ड फिल्ड ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच चर्चा भारत और यूके के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को गति देने के तरीके पर केंद्रित रही। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन चापरवा आज भारत पहुंच रही हैं। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा के साथ बातचीत करेंगी। दोनों के बीच आपसी हित के संबंधों पर चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। चापरवा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से भी मुलाकात करेंगी। उनका राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार विक्रम मिस्त्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में चल रही दूसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने विकासात्मक और पर्यावरण एजेंडे के बीच अंतर संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने पर्यावरण के लिए उचित जीवन शैली के माध्यम से विकास और पर्यावरण के मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने विकासशील देशों की जरूरतों को पहचानने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में G20 की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने G20 के भीतर और बाहर समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दुनिया के सामने विकासात्मक चुनौतियों का समाधान शामिल है। वहीं प्रतिनिधि केरल की संस्कृति से भी रूबरू हुए। सूरत में G20 के तहत महिलाओं के लिए साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना और महिलाओं को फिट रहने के लिए प्रेरित करना भी है। साड़ी भारतीय महिला की अनूठी पहचान है और भारत दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के कपड़े और साड़ी की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और सूरत शहर भारत का कपड़ा केंद्र है। भारत के गौरव और संस्कृति की प्रतीक साड़ी में अलग अलग राज्यों की महिलाओं ने भाग लिया।
बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मुंबई के बाद अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी सीएनजी और पीएनजी के दाम घट गए हैं। दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन गैस के खुदरा बिक्री करने वाली फर्म इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को सीएनजी पीएनजी के दाम घटाने की घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग के फॉर्मूले में बदलाव के बाद कंपनियां सीएनजी पीएनजी के दाम घटा रही हैं। दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस की कीमतों में शनिवार को 6 रुपए तक की कटौती कर दी गई। यह करीब 2 साल में गैस कीमतों में हुई पहली कटौती है। आईजीएल ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 79.56 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 73.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आईजीएल के अनुसार इसी तरह दिल्ली में पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस की कीमत 53.59 प्रति मानक घन मीटर से घटकर 48.59 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सैलानियों से गुलजार हो गई है। इस वीकेंड पर एक साथ 3 छुट्टियों की वजह से यहां दूसरे राज्य के लोगों का सैलाब शिमला में उमड़ पड़ा है। राजधानी के लगभग सभी होटल और पार्किंग भर गए हैं। ऐतिहासिक मॉल रोड, रिज मैदान और बाजारों में पर्यटकों की काफी चहल पहल है। 2 दिन में 23,000 से अधिक गाड़ियों ने शिमला में प्रवेश किया है। शिमला पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक 23,000 से अधिक वाहन शिमला में दाखिल हुए। इनमें बाहरी राज्यों के 11,000 वाहन शामिल हैं। काफी दिनों बाद शिमला की वादियां सैलानियों से खचाखच भरी नजर आई। शिमला में समर पर्यटन सीजन के शुरू होने से पहले पर्यटकों के सैलाब से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। रिज मैदान, मॉल रोड, जाखू, नालदेहरा, कुफरी, नारकंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों में भी सैलानी उमड़े हैं। इसके चलते होटलों में ऑक्यूपेंसी 80-90% तक पहुंच गई है, जबकि पहले ये 30-40% थी। होटल कारोबारियों ने बताया कि इस वीकेंड में अवकाश के कारण बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और आज भी यहां काफी भीड़ रहने की उम्मीद है। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,726 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.54% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.39% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 32,814 है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 659 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड में आ गई हैं। कई राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुरानी पाबंदियों को एक बार फिर से लागू किया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से राज्य सरकारों की तरफ से सख्ती का ऐलान होने लगा है। इसी हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर राज्यों को अलर्ट रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा करने को लेकर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल कराने का भी ऐलान किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, केरल और पुडुचेरी ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी नियमों का पालन करें। सरकार ने जिला और पंचायत प्रशासन को इसकी निगरानी करने का आदेश दिया है। वहीं केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा पुदुचेरी प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। पुदुचेरी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक बयान में प्रशासन ने कहा कि अस्पतालों, होटल, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों, आतिथ्य और मनोरंजन क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना है।
इसराइल का कहना है कि उसने सीरिया पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक रविवार की सुबह सीरिया की तरफ से रॉकेट्स के जरिए इसराइल पर हमला किया गया, जिसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई में सीरिया के रॉकेट लॉन्चर्स पर तोप और ड्रोन के जरिए हमला किया। सीरिया की तरफ से दो राउंड्स में इसराइल की तरफ रॉकेट्स लॉन्च किए गए। हालांकि इसराइल में इन रॉकेट से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सीमा के आर पार के इन हमलों के अलावा इसराइल गजा, लेबनान, पूर्वी यरूशलम और वेस्ट बैंक के क्षेत्रों में भी बढ़ती हिंसा की घटनाएं झेल रहा है। ईरानी प्रशासन शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगा रहा है ताकि पर्दा न करने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें दंडित किया जा सके। ईरान में बीते साल सितंबर में हुई 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिजाब और पर्दे को लेकर प्रशासन के नियमों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अमीनी ने एक बयान में कहा कि ये एक सरकारी प्रतिबंध नहीं है बल्कि ये कानूनी और धार्मिक नियम है। उन्होंने कहा कि शरिया में हिजाब को हटाना हराम है, जिसके बाद अब ईरान की पुलिस ने यह कदम उठाया है। आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होगी। दोनों टीमों के बीच आज का ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इस बार के आईपीएल का भी शानदार आगाज करते हुए पहले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की। गुजरात की तरफ से गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के अलावा शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बैट के साथ शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ नाइट राइडर्स ने भी अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। नाइट राइडर्स की तरफ से उनके स्पिन गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नाइट राइडर्स भी आज गुजरात के खिलाफ अपने मुकाबले में जीत के दावे के साथ उतरेगी। वहीं आज के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस आईपीएल में इन दोनों टीमों की शुरुआत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुई है, जहां एक और पंजाब किंग्स ने अपने पहले दोनों मुकाबलों में जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स को अपने पहले दोनों मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एडन माक्रम और राहुल त्रिपाठी जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों की बदौलत सनराइजर्स पंजाब किंग्स को अच्छी चुनौती दे सकती है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।